दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 16 नवंबर 2021 को सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करके गोचर करेंगे। ये गोचर 16 नवंबर 2021 से लेकर के 15 दिसंबर 2021 तक का होगा। वृश्चिक राशि में सूर्य का संचरण, सूर्य का गोचर 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा। सूर्य जो कि ग्रहों में राजा है, मान सम्मान यश वैभव के कारक हैं, राज्य अधिकार अधिपत्य हर प्रकार के आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था के कारक हैं। हर प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि सूर्य को ग्रहों में राजा माना गया है, तो आपके प्रत्येक कार्य पर प्रभाव पड़ता है। और विशेषज्ञ, किसी भी चीज़ के विशेषज्ञ हैं आप, वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, मान सम्मान पर प्रभाव पड़ता है, आपके आत्मबल, आपके आत्मसम्मान, आपके कॉन्फिडेंस पर प्रभाव पड़ता है। खास करके जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं अथवा कोई राजनेता हैं, तो वहाँ पर ये सूर्य का जो बदलाव होता है हर महीने, उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। बहुत विशेष उन लोगों के लिए होता है जो लोग किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, या शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में, या शासन प्रशासन से अधिकारियों से किसी प्रकार से कोई भी अपने प्रकार अपने कोई भी अपनी तरफ से एक फ़ायदा चाहते हैं, उनकी तरफ से अपना कोई फ़ायदा चाहते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन बेहद खास होने वाला है। किन राशियों के लिए अच्छा, किन राशियों के लिए बुरा और किन राशियों के लिए सामान्य रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। हमने पिछली एक वीडियो बुध राशि परिवर्तन की बनाई थी, उसमें ऐसी इस तरीके से हमने बताया था, तो लोगों को पसंद आया। आप लोग बोले कि इससे समय भी बचता है और कम शब्दों में अधिक जानकारी हो जाती है, तो मैंने सोचा अब यही फॉर्मूला अपनाया जाए और बहुत अच्छा रहेगा ये। तो मैं आपको राशियों के नाम बताऊँगा। पहले जो राशियाँ होंगी वो उन लोगों के लिए होंगी जिनके लिए परिवर्तन अच्छा करने वाला है। अच्छा करेगा तो क्या क्या अच्छा करेगा, तो वो राशियाँ बताएंगे। फिर दूसरा जो भाग होगा वो बुरे लोग, जो मतलब जिन पर बुरा प्रभाव सूर्य का पड़ेगा, उन राशियों को बताएंगे। फिर उसके बाद में सामान्य, यानी कि जिसके लिए ना बुरा ना अच्छा, सामान्य रहने वाला है, वो राशियाँ कौन सी हैं ये भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों वृश्चिक में सूर्य का प्रवेश एक महीने ये आपके लिए कैसा प्रभाव देने वाला है, सबसे पहले जानते हैं। जो अच्छे, जिन पर अच्छा, जिन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनकी राशियां कौन सी हैं, वो राशियां कौन सी हैं। अच्छा होगा तो क्या होगा, पहले ये जान लेते हैं। आपके लिए वृश्चिक के सूर्य सबसे पहला तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक नीच के थे, कॉन्फिडेंस में कमी थी। आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, अगर आपको लोग नहीं पूछते थे, आपका जहाँ रुतबा चलता था वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, आपके मान सम्मान में कमी आ गई थी, वो बढ़ाएंगे। जो जिन राशियों को मैं नाम लेने वाला हूँ, अच्छे, जो अच्छा प्रभाव जिन राशियों पर पड़ रहा है सूर्य का, सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे, गवर्नमेंट क्षेत्र में अपना बहुत ज़्यादा आप नाम कमाएंगे। और अगर आप किसी प्रकार से कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और गवर्नमेंट की कोई अड़चन आ गई है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अड़चन आ रही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से आप निकल पाएंगे। और कोई टेंडर इत्यादि आपने डाला था, वो फेल हो गया था उस गोचर काल में, सूर्य के नीच होने की वजह से हो सकता था, लेकिन अगर टेंडर पास नहीं हो रहा था तो अब हो जाएगा आपके लिए, तो एक अच्छा योग उस लिहाज से भी बन जाता है। ये अच्छा योग उन लोगों के लिए भी है जो इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, अधिकारियों के साथ में अच्छा व्यवहार बना करके कुछ पाना चाहते हैं, अथवा आप अपने किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश बनते हैं सूर्य, और जाकर के काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो ये सीधा अष्टमस्त विराजमान है, तो इस हिसाब से आपके रिलेशनशिप में कुछ बीता जो छूटा हुआ है, एक्स पार्टनर हो या कुछ आपका किसी से नो कॉन्टैक्ट हो गए, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट में, एक्स पार्टनर के साथ में बातचीत हो जाए, ये चीज़ें भी दर्शाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर जिनके फैमिली में खास करके पिताजी नहीं मान रहे थे शादी को लेकर के, वो चीज़ भी अब बात बन सकती है, वहाँ से भी स्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं। धन के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ,
यानी कि बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनने वाली हैं इस गोचर काल में। राशि कौन सी है जिनके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं? सबसे पहली राशि है सिंह राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि, और तीसरी राशि है तुला राशि, चौथी राशि है मकर राशि, और पांचवी राशि है कुंभ राशि। इन पांच राशियों के लिए तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी जो बुरा प्रभाव मिलेगा वो चार राशियां हैं। ये बुरा प्रभाव क्या क्या मिलेगा जान लेते हैं। सबसे पहले बुरा प्रभाव मिलेगा, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, कुछ छिपी हुई बातें रिलेशनशिप में सामने आ सकती हैं जिनकी वजह से झगड़े ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए सरकारी क्षेत्र में उठापटक की स्थिति रहेगी, सरकारी क्षेत्र में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत अधिक मात्रा में ये भी स्थिति है कि आपका घमंड, आपका ईगो आपको ले डूबेगा, आप अभिमान बस कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में ये भी स्थिति बन रही है कि आपके लिए सूर्य का प्रभाव जो है वो किसी बड़ी उलझन में आपको डाल सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आप खुला सकते हैं, कोर्ट कचहरी विवाद में पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर कहीं आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो फेल हो जाए तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। राजनेता हैं, अगर कोई चुनाव इत्यादि होता है इस दौरान, कोई चुनाव इत्यादि लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप हार सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आप सफलता को देखते देखते रह जाएंगे, यानी कि हो सकता है कुछ काम आपके बनते बनते बिगड़ जाएं, एंड मोमेंट पे आपके बिगड़ जाएं। तो ये स्थिति है। ये चार राशियां हैं जो बुरा प्रभाव जिनको मिल रहा है। ये सबसे पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि, चौथी राशि है वृश्चिक राशि जिसमें सूर्य का प्रवेश हो। और जो सामान्य हैं जिनके लिए न अच्छा न बुरा यानी सामान्य रहने वाला है वो तीन राशियां हैं, कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो ये सामान्य राशिफल है। अगर आपको ये राशिफल पसंद आए, सूर्य का गोचर का प्रभाव इस तरीके से मैंने आपको बताया कम समय में, वो अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें कि क्या आप ऐसे ही परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो फल मैंने आपको बताया ऐसे ही फल देखना चाहते हैं, या जो मैं पहले बताता था वैसे देखना चाहते हैं। कमेंट करके बताइएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और 2022 का राशिफल देखने के लिए इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।